EPF to NPS ट्रांसफ़र का तरीका आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता ही होगा कि हाल ही में जो है श्रम मंत्रालय की ओर से एक EPFO को नियम एवं बदलाव को लेकर EPFO एक्ट अमेंडमेंट 2019 जो लाया गया है, यह जो है 23 अगस्त 2019 को लाया था और इसे जो है 22 सितंबर तक जो है पब्लिक प्रपोजल के तौर पर जो है अभी रखा गया है। मतलब कि यहाँ पर जो है जो भी आम लोग हैं, आम जनता भी यहाँ पर जो है अपने हिसाब से इसका जो है अपना मत दे सकती है कि जो नियम यहाँ पर जो है सरकार बदलना चाहती है वो जो है सही है या गलत है। इसके बारे में जो हमने पिछले वीडियो और पिछली पोस्ट में आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से क्या क्या नियमों में परिवर्तन यहाँ पर जो है हो सकते हैं और किन नियमों को लेकर ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो इसमें एक नियम यह भी है कि EPFO को जो है NPS में यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का विकल्प दिए जाने का यहाँ पर जो है बात कही गई है। तो जिसके बाद सब मंत्रालय PF से जुड़ी कई नियमों में यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं, जैसे EPFO अमेंडमेंट एक्ट में बताया है। इन सभी बदलावों में EPFO खाताधारकों को एक जो है बड़ा बदलाव वो देखने को मिलेगा कि EPF to NPS ट्रांसफ़र यहाँ पर जो है करने का इनको जो है विकल्प देखने को मिल सकता है या ऐसा कोई नियम भी इसको लेकर जो है आ सकता है, जिसके बारे में हम जो है एम्प्लॉय खबर से जुड़े सभी कर्मचारियों को इस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर जो है ज़रूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। NPS to EPS ट्रांसफ़र क्यों, जो EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में के थ्रू ट्रांसफ़र यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। ये विकल्प यदि श्रम मंत्रालय की तरफ से दिया है तो क्यों दिया गया है, ये यहाँ पर जो है कर्मचारियों को सोचने की बात है। क्योंकि जब भी कोई नया नियम यहाँ पर जो है शुरू में लाता है तो वो नियम जो है शुरू में तो यहाँ पर जो है कर्मचारियों को ठीक ही नज़र आता है, हमें ठीक ही नज़र आता है, लेकिन जो जब धीरे धीरे उसके जो परिणाम निकलने लगते हैं वो जो है यहाँ पर जो है ठीक नहीं होते हैं। ऐसा जो है कई बार हमने यहाँ पर जो है पहले पिछले इतिहासों में देखा है। कर्मचारियों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि आखिर क्यों श्रम मंत्रालय की ओर से EPFO to NPS ट्रांसफ़र के विकल्प के बारे में EPF एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 में बात कही गई है। क्या यह केवल एक विकल्प होगा या कोई नियम, यदि विकल्प होता है तो कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह जो है EPF में ट्रांसफ़र कराना चाहता है या NPS में ट्रांसफ़र कराना चाहता है। यदि यह एक नियम होता है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर 2019 के बाद जो भी कर्मचारी यहाँ पर EPFO के थ्रू ज्वाइनिंग लेता है असंगठित क्षेत्र में, उसे जो है NPS PF ट्रस्ट में ही यहाँ जो है अपना योगदान करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये लागू हो चुका है, हो सकता है प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी हो जाए। 2004 से जो है यह नियम लागू है। जैसे कई सवालों के जो है जब तक पूरे सवाल के जवाब यहाँ पर तब तक नहीं मिलते जब तक कि अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो जाता, 22 सितंबर को जब ये होता है तो उसके बाद में यहाँ पर 24 से 26 तारीख के बीच में जो है एक मीटिंग की भी खबरें यहाँ पर जो है मिली है। अभी यदि कर्मचारियों के PF या पेंशन का पैसा EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा है तो EPFO की ओर से उसे जो है मार्केट यानी कि जो भी शेयर मार्केट कह लो या जो भी कहो हम, तो हम शेयर जो इस स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है इसका जो है अच्छा ब्याज मिलता है। किसी भी कर्मचारी का पैसा यहाँ पर EPFO के पास में जमा है तो वह पूरा इकट्ठा पैसा वहाँ से जो है बड़ी एक मोटी रकम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लगाई जाती है ताकि वहाँ से जो है एक अच्छा ब्याज मिल सके और इस योजना को जो है आगे चला सके। लेकिन इसमें जो है जोखिम होता है, जैसा कि आपने अभी बीच में यहाँ पर IL&FS कंपनी के जो है शेयर डूबने की खबरें बीच में सुनी थी, जिसको लेकर यहाँ पर EPFO अभी तक जो है काफ़ी परेशान है। फिर उन पैसों के हिसाब से जो है कर्मचारियों को निर्धारित ब्याज दर के हिसाब से यहां पर जो है ब्याज दिया जाता है, लेकिन यदि EPF टू NPS ट्रांसफ़र का विकल्प या नियम यहां पर आता है तो NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के माध्यम से कर्मचारियों का पैसा डायरेक्ट कर्मचारी का जो भी पैसा कटता है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर जो है शेयर मार्केट में यहाँ पर लग जाता है। ऐसे में यदि वह पैसा जो है डूबता है उस पर जितना ब्याज मिलता है, कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, उसका सारा ब्याज और जैसा हुआ है वो उसका लाभ या हानि जो है कर्मचारी को सीधी उठानी पड़ती है। यहाँ कर्मचारियों के लिए ब्याज निर्धारित नहीं होता है, कर्मचारी को जो पैसा है उस पर कितना ब्याज मिलेगा यह तय नहीं होता है, ये जब वो रिटायरमेंट होता है तब जो है यह डिसाइड होता है कि उसको जो है कितनी पेंशन मिलनी है, कितना जो है ब्याज मिलना है, और जो एक बार डिसाइड हो जाता है वो जो है बाद में घटता या घटता नहीं है। लेकिन ब्याज दर जो है यहाँ पर अन्य की तुलना में काफ़ी अच्छी मिलती है यदि जो है जहाँ पर आपका जो पैसा निवेश में लगा है वो यदि अच्छी कंडीशन में चल रहा है। तो इसके जो है कई फायदे और नुकसान हो सकते हैं।
यहाँ पर ईपीएफओ के पैसे को एनपीएस में कैसे ट्रांसफ़र होंगे, इसकी जो प्रोसेस क्या है, यह जो है हम एक नज़र में यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप जो है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में अपने ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है एनपीएस का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में नेशनल पेंशन सिस्टम जो है यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की सुविधा है तो आप इसे जो है खुलवा सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे जो है पॉइंट आप प्रोसेस पीओपी या ईएनपीएस यानी कि इंटरनेट की जो वेबसाइट पोर्टल है इसका, वहाँ पर भी जो है आप इसको खुलवा सकते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम का अकाउंट खुलवाने के लिए आप जो है npstrust.org.in पर भी जाकर यहाँ से जो है अपना खाता खुलवा सकते हैं, और इसकी जो है ऑनलाइन प्रोसेस भी होती है खाता खुलवाने की। मतलब कहने का ये है कि आपको किसी न किसी माध्यम से यदि आप ईपीएफओ से का खाता ट्रांसफ़र एनपीएस में करवाना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आपके पास एनपीएस का खाता भी होना ज़रूरी है। ईपीएफओ का खाता तो यहाँ पर जो है आप जहाँ काम करेंगे वहाँ से खोलकर आपको दिया ही जाता है। ईपीएफओ टू एनपीएस ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जो है किस तरह की होगी, यदि जो है अपने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम का अकाउंट खुलवा लिया है तो आप जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अपने वर्तमान नियोक्ता जहां पर जो है आप काम कर रहे हैं वहां पर ईपीएफ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका जो है एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो पीएफ फंड आपके खाते के पैसे को जो है एनपीएस में ट्रांसफ़र करने की शुरुआत करेगा। इसके बाद एक चेक या ड्राफ्ट जो है यहाँ पर एनपीएस के नोडल ऑफिस के नाम पर या पीपीओ कलेक्शन के नाम पर जो है यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है अप्लाई करने के बाद आपको ईपीएफ से पैसे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके लिए जो है श्रम मंत्रालय की ओर से एक पूरी गाइडलाइन तैयार की जाएगी, जैसा भी नियम बन के आता है या वो वैकल्पिक नियम आता है या एक जो है प्रॉपरली नियम आता है उसके लिए जो है गाइडलाइन भी साथ में यहाँ पर दी जाएगी। ईपीएफओ से एनपीएस में पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद प्रोवाइडेड फंड आपके जो है एम्प्लॉयर को सूचित करेगा कि खाते की जो है रकम कर्मचारियों के एनपीएस जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके बाद ही नोडल ऑफिस का पीपीओ या जिसके भी पास जो है आपका चेक जो है ड्राफ्ट यहाँ पर पहुँचा है वह कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे अपडेट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ईपीएफ या को जो है एनपीएस के खाते में ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जा सकेगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी कि ये यदि आप भी अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को जो है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप भी यहाँ पर जो शेयर मार्केट में जो अच्छा ब्याज मिलता है उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप इस तरह की प्रोसेस से गुजर कर और इस तरह के तरीके के यहाँ पर जो है आप इसका फ़ायदा और उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।